थाना शेरगढ़ अंतर्गत गांव जटवारी के प्रधान पर आज गंभीर आरोप लगाए गए। जानकारी के अनुसार छाता एसडीएम से आज के पाठक एडवोकेट ने मुलाकात की और गांव जटवारी के प्रधान की कार्यशैली के बारे में अवगत कराया। वहीं अधिवक्ता ने बताया कि ग्राम प्रधान दूसरे की जमीन पर सुलभ शौचालय बनवा रहा है। जब उसका विरोध किया गया तो ग्राम प्रधान अपने साथियों के साथ मारपीट करने पर उतारू हो गया। जब इसकी शिकायत अधिवक्ता के जरिए छाता एसडीएम से की गई तो छाता एसडीएम द्वारा उन्हें आश्वस्त किया गया कि इसकी जांच कराई जाएगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वकील साहब बताएं, आज अभी एसडीएम साहब से मुलाकात की है, क्या कुछ क्या मामला था? देखिए, आज एक हमारे पक्षकार हैं गाँव जटवारी के राधा रमन जी, एक उनकी पैतृक जमीन है और खसरा खतौनी में उनका नाम दर्ज चला आता है। संगमणीय भूमिधर सह काश्तकार वो दर्ज हैं। खसरा संख्या 419 है मौजा जटवारी का। उसमें एक मामला देखने को सामने आया है कि जो वहाँ के वर्तमान ग्राम प्रधान हैं, उन्होंने एक वहाँ शौचालय का निर्माण कराना आरंभ कर दिया है वहाँ, जबकि उनको कोई राइट नहीं था कि किसी की निजी ज़मीन पर इस तरह से शौचालय बनवाया जाए। तो ये मामला जब थाना पुलिस को पहुँचा, 112 नंबर डायल 100 पर सूचना गई, पुलिस जब दोनों पक्षों को ले गई तो वहाँ उन्होंने एक बताया जाता है कि एक एफिडेविट दान पत्र स्वरूप नोटराइज दान पत्र उन्होंने पेश कर दिया किसी थर्ड पर्सन का, जिसका नाम बिजन है, जिनको ना तो खतौनी में दर्ज है ना उनका कोई लेना देना उस ज़मीन से। बोले कि हम इस ज़मीन को दान कर रहे हैं और इस दान पत्र के आधार पर इस शौचालय का निर्माण हो रहा है। तो जब उस फर्जी नोटराइज प्रार्थना पत्र की शिकायत की गई तो उन्होंने उसको बचने के लिए और उसको मनसा अपनी सपोर्ट करने के लिए, उसको जाहिर करने के लिए उन्होंने फिर एक दान पत्र, एक विक्रय पत्र और तैयार कराया जो उसमें हिस्सेदार हैं, और उसमें जो चेक खोले गए हैं उसमें कोई लेन देन भी नहीं हुआ है। और अभी म्यूटेशन के लिए, दाखिल खारिज के लिए वो माननीय तहसीलदार साहब के न्यायालय में आज भी विचाराधीन है। तो अभी उसका डिस्पोजल नहीं हुआ है, मुकदमा तहसीलदार साहब के यहाँ भी विचाराधीन है, अन्य न्यायालयों में विचाराधीन है। बावजूद इसके वो प्रधान आमद आए कि वहाँ किसी की निजी ज़मीन पर वो शौचालय का निर्माण करा दिया जाए, जबकि ये अगर उस ऐसा निर्माण होता है तो जो पीड़ित पक्षकार है उसके कानूनी हकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और ये बहुत ही नियम विरुद्ध है। इसी को लेकर हमने एसडीएम साहब से शिकायत की थी, तो एसडीएम साहब ने मामले को समझा है और हमें आश्वासन दिया है कि नियम विरुद्ध तरीके से वहाँ निर्माण नहीं होने दिया जाएगा।